इजी टू डिजाइन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे रिब क्या होता है और इसे कैसे यूज करते हैं। पिछली लेक्चर में हमने ये 3D मॉडल बनाया था और सेल सीखा था। आज हम इसमें रिब सीखेंगे। रिब के लिए दो थिन वॉल होना जरूरी है, तभी आप रिब यूज कर पाएंगे। रिब यूज करने के लिए दो थिन वॉल के बीच में एक लाइन ड्रॉ करना होगा। तो हम फेस सेलेक्ट करेंगे, स्केच नॉर्मल व्यू। लाइन कमांड की मदद से लाइन ड्रॉ करेंगे। फीचर्स पे क्लिक करें। रिब कमांड का आइकन दिया गया है, इस पे क्लिक करें। रिब का थिकनेस आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनपुट करें। हम यहाँ पे 5 mm एंटर करेंगे और यहाँ पे 3 टाइप्स दिया गया है, फर्स्ट साइड, बोथ साइड, सेकंड साइड। हम बोथ साइड सेलेक्ट करेंगे और थिकनेस 5 mm और इसे नॉर्मल टू स्केच कीजिए और ओके कीजिए। तो ये देखिए रिब अप्लाई हो गया। एक और रिब यूज करेंगे। तो फेस सेलेक्ट कीजिए, स्केच नॉर्मल व्यू। लाइन कमांड की मदद से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फ्यूचर्स रिब पे क्लिक करें और इस बार हम फर्स्ट साइड सेलेक्ट करेंगे और इसका थिकनेस 7 mm एंटर और इसे नॉर्मल टू स्केच कीजिए। और ओके करें। तो ये देखिए रिब अप्लाई हो गया। बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।